आदरणीय निर्णायक मंडल और सभी साथियों, आइडिया ऑफ इंडिया के बारे में आप बहुत सुनते रहते होंगे, आजकल तो बात बात पे इसकी दुहाई भी दी जाती है, लेकिन मैं कभी इस संकल्पना से अपने आप को जोड़ नहीं पाया। मुझे लगता है कि इस चैतन्य राष्ट्र को या आइडिया ऑफ इंडिया सही तरीके से रूपायित नहीं करता। इसके लिए एक ऐसी संकल्पना की जरूरत है जो इसी पुण्य भूमि से उपजी हो और यहाँ की चिरंतन संस्कृति से इसका परिमार्जन हुआ हो। तो उसी को लेके मैंने ये कविता लिखी है, आइडिया ऑफ भारत। जब शांति मंत्र का स्वस्ति वाचन करते हुए सुमेरु के शिखर पर ध्यानमग्न उस आदि पुरुष ने लोकाय समस्ता सुखिनो भवंतु के लोकक्षेम के साथ खोली थी अपनी आंखें, शायद उसी क्षण पड़ा था आइडिया ऑफ भारत का भी समय के गर्भ में। और फिर वसुधैव कुटुंबकम की भावना से पुंसवित होकर स्वयंभू के संकल्प से जम्बूद्वीप के भरतखंड के रूप में जन्मा आइडिया ऑफ भारत। शांति, सद्भाव, सदाचार की भुट्टी लेकर पला आइडिया ऑफ भारत। राम की मर्यादा से, मारुति की भक्ति से, शबरी के भाव से, भरत के प्रेम और उर्मिला के त्याग से हुआ संस्कारित इसका शैशव। केशव की कलाओं में, गांधीव की प्रत्यंचा में, भीष्म की प्रतिज्ञा में, गीता के ज्ञान में, धर्म की स्थापना में उमग रही थी इसकी तरुणाई। हिमालय की उपत्यकाओं, दक्षिण के सागर तट और सिंधु सरस्वती की घाटियों में नगरों के रूप में ले रहा था अंगड़ाई आइडिया ऑफ भारत। महाजनपदों के प्रासादों में, गणसंघों की सभाओं में, बुद्ध के धम्म चक्र प्रवर्तन और महावीर की रत्नत्री के अनुशासन में हो रहा था परिपक्व आइडिया ऑफ भारत। चाणक्य के शिखाबंधन का हेतु बनने तक्षशिला में बटुक से चंद्रगुप्त के रूप में ढल रहा था आइडिया ऑफ भारत। गुप्तों के स्वर्णिम युग में, चोलों के समुद्री अभियानों में विराट स्वरूप ले ही रहा था भारत, विराट स्वरूप ले ही रहा था आइडिया ऑफ भारत। कालचक्र घूमा और बर्बरता की रेगिस्तानी धूल उड़ाता नापाक मंसूबों पर सोकर सवार आया शैतानी लश्कर और कर दिया लहूलुहान आइडिया ऑफ भारत। बेशक छला गया, दला गया, पर प्राणवंत रहा आइडिया ऑफ भारत। जिजीविषा स्पंदित हुई, निनादित हो उठा तुमुल घोष, धधक उठी जौहर की ज्वालाएं, साकों के फिर हुए भाग, तब जाकर मूर्छा से जागा चैतन्य हुआ आइडिया ऑफ भारत। और उठ खड़ा हुआ लड़ने को गाजी से, बनकर सांगा की तलवार, चढ़ गया चिल्ले इलाही की छाती पर, राणा का दुर्दम्य प्रतिरोध बन, हाँ अब छत्रपति बन, खोद रहा था आलमगीर की कब्र आइडिया ऑफ भारत। हत भाग्य अपने उद्भट जोश में खो दिया होश, पानीपत फिर से कर गया मंगल और हुआ निस्तेज आइडिया ऑफ भारत। फिर आए लुटेरे पश्चिम के व्यापारी बनकर, रचे गए प्रपंच व्हाइट मैन्स बर्डन के नाम पर, किया गया श्रीहीन आइडिया ऑफ भारत। पर भला कौन ढांप पाया सत्य का सूरज, कौन डिगा पाया वसुधा का संकल्प, वंदे मातरम की बजाकर रणभेरी, सत्य के आग्रह के साथ स्वराज का लेकर संकल्प, झोंक दी अपनी उद्दाम जवानी और मेरा रंग दे बसंती चोला, गा उठा आइडिया ऑफ भारत। सदियों के साथ पूरी हुई नीति से हुआ मिलन, पर श्रम साधना रही अधूरी, तो फिर कैसे होती खुशियां पूरी। खैर जो हुआ जैसा हुआ करके संतोष, लोक मंगल की उदात कामना से त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम, सनातन को बना सारथी, ज्ञान कर्म और शक्ति के नए त्रिवेणी द्वारों से होकर चल पड़ा है धर्म दंड लेकर अपने महालक्ष्य की ओर आइडिया ऑफ भारत। हे प्रभो शक्तिमन आशीर्वाद दे, शक्ति दे, प्रेरणा दे, अजर रहे इसका अस्तित्व, अमर रहे इसका अस्तित्व,
अजर रहे इसका अस्तित्व, अमर रहे इसका व्यक्तित्व, व्यष्टि से समष्टि तक बढ़ता रहे इसका वैभव, चंद्र से आदित्य तक चलते रहे इसके यशयान, और मानवता की भाव भूमि में शीघ्र हो प्रतिष्ठापित विश्व गुरु के रूप में आइडिया ऑफ भारत। जय हिंद, जय भारत।